डेवन काउंटी इंग्लैंड के प्लेमाउथ एरिया में एक शख्स महीने भर तक एक अंडरग्राउंड तहखाने में फंसा रहा। इस दौरान उसके पास न खाना था न पानी। उसके पैर में चोट लगी थी जिसमें सड़न बढ़ रही थी। आखिरकार वहां से गुजर रहे एक राहगीर की शरारत के कारण उसका पता चला और उसे बचा लिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि वे एक दो दिन भी और वहां रहता तो शायद जिंदा नहीं बच पाता। 51 साल का जेम्स थॉम्पसन बेरोजगार और बेघर था। मार्च महीने में एक दिन आसरा पाने के लिए वे पेड़ों के झुरमुट के बीच बने ईंटों के अंडरग्राउंड तहखाने में घुस गया। इस दौरान उसे टखने में चोट लग गई। भीतर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वह एक गड्ढे जैसी जगह है। उसने ऊपर चढ़कर वापस बाहर आने की कोशिश की लेकिन टखने की चोट के कारण ऐसा नहीं कर पाया। जेम्स उस दौरान मानसिक बीमारियों से भी जूझ रहा था। उसके पास खाना था न पानी। उस अंधेरे तहखाने में फंसे रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। जेम्स को शुरू में वहाँ पानी की एक धारा मिली। उसने कुछ दिन तो उससे पानी पिया, फिर वह पानी गायब हो गया। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। उसके टखने की चोट में गैंग्रीन हो गया। साथ ही वह शीतदमनश का शिकार भी हो गया जिसमें अत्यधिक ठंड के कारण उंगलियों में घाव हो जाते हैं और वो गलने लगती हैं। जेम्स ने बचने की आशा छोड़ दी थी। वह नीम बेहोशी में पहुंच गया। कभी उसकी चेतना आती, कभी चली जाती और उसे कुछ होश न रहता।